जी, लग रहा है इस मामले में कि अखिलेश यादव एक स्टबर्न एटीट्यूड के साथ इस वक्त नजर आ रहे हैं। अगर वो आगे बढ़े तो शायद चीजें सही हो सकती थी, जो सुलह का फॉर्मूला अभी मोहम्मद शाहिद जी बता रहे थे मुलायम सिंह यादव के मार्फत। जी देखिए अभिलाषा, किसी की पार्टी में अगर कोई मतभेद हो तो वहां पर पानी डालना चाहिए, आग नहीं लगानी चाहिए। रही बात पार्टियों के तमाम अधिवेशन, तमाम चीजें, तमाम नियम, तमाम कानून हर एक पार्टी के अलग अलग हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक चीज़ तो कही जा सकती है, जब ये मतभेद सार्वजनिक हो गए हैं तो जो इनका अधिवेशन हुआ उस अधिवेशन में इन लोगों ने देखा कि तमाम बड़े संख्या में लोग आए और बड़ी संख्या में लोगों ने वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को चुन लिया। और आज की डेट में दोनों गुट कह रहे हैं कि साहब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, और वो जो अखिलेश यादव जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस पर कह रहे हैं अपने आप को, उस पर उनके एमएलए भी हैं, एमएलसी भी हैं, और जो इनके संगठन के लोग हैं उनकी भी बहुतायत संख्या दिख रही है, ऐसा हमें अखबारों के माध्यम से पता चल रहा है जी। अब यहाँ पर पिता और पुत्र की जो बात है, मतभेद है, जंग है, जिसको भी आप मीडिया नाम दे ले, वो अपने आप में सच है। और आज की डेट में इन सारी चीजों का पटाक्षेप जो है वो कल हो जाना चाहिए कहीं ना कहीं। कल ये पटाक्षेप किस तरीके से हो सकता है, इसके तीन रास्ते हमको दिखते हैं। नंबर एक कि किसी एक गुट को है साइकिल चुनाव निशान मिल जाए। नंबर दो, दोनों गुटों को साइकिल चुनाव फ्रीज हो जाए, अलग अलग गुट पे लगे। और जो सबसे बड़ी संभावना है मुझे जो लगती है, एज ए नॉट एज अ कांग्रेस पर्सन बट एज अ सोशल एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट, कि आखिरी में आकर के कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव जी और शिवपाल यादव जी का परिवार के प्रति जो अपना एक जिम्मेवारी है वो प्रवेल करेगी। अगर सिंबल फ्रीज करने की कहीं ना कहीं बात आई तो हम मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग सिंबल जो है अपने आप थ्रू कर देंगे कि साहब ये सिंबल तुम अखिलेश ले जाओ। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, मैं मतलब बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, एक पिता और पुत्र के बीच की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों ने बड़ी मेहनत से पार्टी बनाई है। और आज की डेट में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ये एक कॉन्कर्ड करके, जिस तरीके से एक षड्यंत्र करके, चाहे वो अमर सिंह नाम के एक शख्स को लाए हो बीच में, चाहे वो और किसी को लाए हो, मैं नहीं कहता, दोनों गुट किसी ना किसी का नाम ले रहे हैं आज की डेट में। लेकिन एक चीज तो तय हो रही है कि ये सारा का सारा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का डॉक्टर्ड है, किया हुआ है, और षड्यंत्रकारी ताकतों के हाथ में जो लोग भी खेल रहे हैं जी, वो लोग कहीं ना कहीं आज की डेट में अगर पीछे हटते जा रहे हैं सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने में। अगर